close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Muskan and I am back with my another video. So basically this gonna be a challenge video for me and I am really excited for this video क्योंकि ये थोड़ी सी fun होने वाली है और interesting होने वाली है on the other hand. So I have only these two items, products as you can say. इन दो चीज़ों को use करके मैं अपना पूरा look create करने वाली हूँ आज की video में और ये बहुत ज़्यादा interesting रहेगा देखना कि मैं किस तरीके का look create करती हूँ क्योंकि यही दो मेरे पास product है, ये है mascara और ये है lipstick. इन दो चीज़ों से मैं देखती हूँ मैं क्या रिक्रिएट कर पाती हूँ अपने फेस पे. ऑल्सो आई वॉन्ट टू मैंशन कि मुझे न्यूड कलर के लुक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सुंदर लगते हैं एज कम्पेयर टू द बोल्ड लुक. सो मैं न्यूड सा लुक बनाने वाली हूँ अपने फेस पे. सो इन दो चीज़ों को यूज़ करके और देखते हैं कि मैं किस तरीके का लुक क्रिएट करती हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट जंपिंग टू द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय रो फेस. आई हैव नॉट अप्लाइड एनीथिंग ऑन माय फेस एंड फर्स्टली आई वांट टू मेंशन कि सबसे पहले मेकअप में जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करते हैं हम प्राइमर अप्लाई. प्राइमर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं तो इतना ज़्यादा लेंदी नहीं करने वाले चीज़ों को. उसके बाद हम लगाते हैं फाउंडेशन. फाउंडेशन भी नहीं लगा सकते, स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएंगी क्योंकि ये तो मैं अप्लाई कर ही नहीं सकती एज अ फाउंडेशन. बट हाँ, अगर इन दोनों के अलावा मेरे पास ब्लश होता तो हाँ मैं ब्लश लगा सकती थी अपने फेस पे एज अ फाउंडेशन. बट हमारे पास नहीं है तो उसको भी हम स्किप करने वाले हैं. उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो हमारे मेकअप में आती है, वो आता है हमारी आई मेकअप. आई मेकअप में हम आई शेडो लगा सकते हैं जो कि मैं लगाने वाली हूँ. इसको नहीं मैं स्किप कर सकती बट आई विल यूज़ दिस लिपस्टिक एज माई आई शेडो. ओके, तो मैं थोड़ा सा आई शेडो की तरह इसको अप्लाई करने वाली हूँ अपनी आईज पे. को लाइट लाइट सा ऐसा ना बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाए एकदम से पिंक पिंक सा. ओके, आई हैव दिस. इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं. आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा एकदम क्लियर. एंड या काफ़ी इंटरेस्टिंग और हल्का सा डूई सा हो गया लुक मेरी आईज के ऊपर. बट इसको थोड़ा सा और कर सकती हूँ मैं डार्क क्योंकि काफ़ी लाइट शेड है ये एकदम न्यू न्यूड सा. तो हम इसको थोड़ा सा कर सकते हैं डार्क. आई थिंक सो ये ठीक ही ब्लेंड हो रहा है स्पंज से क्योंकि मैंने कभी भी ब्लेंड नहीं करी ऐसे लिपस्टिक को. ओके, आई एम डन और इट्स नॉट लुकिंग वेरी बैड और आई थिंक सो ये अच्छा ही लग रहा है. काफी इंटरेस्टिंग सा और काफी क्यूट सी टोन दे दिया मेरी आईज को इसने. सो या आई एम लाइकिंग दिस वन. ओके, तो मैं थोड़ा सा लिपस्टिक अपने चीक्स पे भी अप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि मेरे पास ब्लश नहीं है. सो इसी को मैं अपने ब्लश की तरह यूज़ करने वाली हूँ. सो थोड़ा सा यूज़ करेंगे इसको हम. आपके लिए मैंने एक हर्ट बना दिया. बस ये ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि मैंने एस्थेटिक दिखाने के लिए ऐसे हर्ट्स तो बना दिए हैं. बट लेट्स सी. ओके, आई लाइक एप्पल फेस इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो भी गया तो हू केयर्स. ओके, काफ़ी सुंदर लग रहा है यार. काफ़ी नेचुरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये लिपस्टिक की कमाल है. ओके, बाय द वे ये कलर पॉप की लिपस्टिक है और ये काफ़ी अच्छी है. मैंने ये ऐसी ड्रग स्टोर से ख़रीदी थी एंड आई रियली लाइक इट. और मेरे पास इसके मेरे पास बहुत सारे शेड्स हैं क्योंकि मुझे सच में बहुत पसंद आई थी लिपस्टिक और आप लोगों को भी डेमो मिल गया आज. ओके गाइस, आप लोग ही बताओ कि कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है या फिर नहीं क्योंकि मैंने ऐसे हर्ट बनाया. मुझे लगा था बहुत ज़्यादा हो जाएगा बट आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादा लग रहा है. ओके गाइस, द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन माय आईज इज दिस मस्कारा. और ये मस्कारा है लैक्मे का आइकॉनिक वॉल्यूम मस्कारा विच इज़ बेस्ट मस्कारा दैट आई हैव एवर बॉट. सो आई थिंक सो ये आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए लाइफ में एक बार तो कम से कम. सो दिस इज अ गुड वन. सो लेट्स अप्लाई. और ये क्या हो रहा है. ओके
ओके गाइज, नाउ यू कैन सी द वॉल्यूम ऑफ माई लैशेज, और ये वाली लैश मेरी इतनी सुंदर, इतनी प्रिटी लग रही है ना, आई कांट इवन टेल यू। और आप लोग डिफरेंस तो देख सकते हो मेरी दोनों आईज में कि कितना डिफरेंस लग रहा है ये वाली आईज में और ये वाली आईज में। ये वाली एकदम छोटी छोटी लग रही है और ये वाली एकदम बोल्ड सी और काफ़ी सारी ऐसे लग रहा है लैशेज एक्सटेंशन कराई हुई है, थोड़ी छोटी छोटी सी लेकिन अच्छी लग रही है। सो या ये काफ़ी मैं टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इतना पुराना हो गया, लेकिन जब मैं एकदम नया नया मैंने खरीदा था तो बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे पॉप आउट कर देता था मेरी लैशेज को। सो आई रियली लव दिस मस्कारा। ओके गाइज, आई एम डन विद मस्कारा और आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा नेचुरल और ग्लोई मेकअप लग रहा है अभी से, जबकि मैंने अभी कुछ इतना नहीं किया है। ओके गाइज, आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ मेकअप, क्योंकि ये ऐसे मेकअप होते हैं कि आप कहीं पार्टी में भी जा सकते हो एज अ न्यूड मेकअप लुक लेके, और आप अपने वर्क पे जा सकते हो, कॉलेज जा सकते हो, ट्यूशन जा सकते हो, क्योंकि ये ऐसा मेकअप लुक है कि आपको पता नहीं चलेगा किसी को भी कुछ किया हुआ है। और भी इससे ज़्यादा लाइट करना है आपको, वैसे इसमें स्किप करने जैसा कुछ है नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा लाइट है। हाँ, आप अपना मस्कारा थोड़ा लाइट कर सकते हो क्योंकि बाकी तो ओवरऑल इतना ज़्यादा लाइट मेकअप मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आफ्टर दैट एंड एट द लास्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस लिपस्टिक ऑन माई लिप्स, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लुक। सो या, आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये कलर पॉप की अपने लिप्स पे ये लिपस्टिक। और सबसे पहले मैं हमेशा लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले हमेशा मैं आउटलाइन करती हूँ, जिससे कि अच्छा सा लुक आ जाए और बोल्ड भी ना लगे। हमेशा लिपस्टिक को उल्टी तरीके से यूज करो, जिससे कि आपके लिप्स पे लिप लाइनर की तरह भी वर्क कर सके। अगर आप इसको फ्रंट साइड से यूज़ करोगे तो फिर वही है कि लिपस्टिक की तरह ही आपके फेस पे अप्लाई होगी, बट आप ऊपर से ऐसे यहाँ से जहाँ से पॉप आउट हो रखा है ना थोड़ा सा, वहाँ से अप्लाई करोगे तो वो लिप लाइनर भी वर्क करता है। ये बहुत अच्छा हैक है जो मैंने खुद से ही सीख लिया। सो आई वॉन्ट कि अगर आपको आपके पास लाइनर नहीं है तो आप किसी और लिपस्टिक का शेड भी यूज़ कर सकते हो एज अ लिप लाइनर, तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा अप्लाई। और उसके बाद इसको मैं कर लूँगी थोड़ा सा स्मच कर लूँगी अब अपने लिप्स पे, अच्छे से ब्लेंड हो जाए जिससे ये, और मैं लाइट लाइट अप्लाई करूंगी बस, ज़्यादा नहीं अप्लाई करना मुझे। ओके गाइज, आई एम डन विद माई होल लुक और आई थिंक सो आपको पसंद आया होगा ये मेरा क्यूट सा लुक, जो कि काफ़ी मैंने ट्राई किया कि मैं इसको न्यूड वे में रखूं। और लिपस्टिक आप चाहो तो और लाइट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आपको अपने लिप्स पे कितने डार्क लिपस्टिक लगानी है और कितनी न्यूड। एंड या इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप कि आपको ये मेरा क्यूट सा गेट रेडी विद मी अच्छा लगा होगा, जो कि एक न्यूड लिप था और ये चैलेंज मैंने कम्प्लीट किया या फिर नहीं दो प्रोडक्ट को यूज़ करके, डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। एंड या, आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो आप बता के जाना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा ये लुक, क्योंकि मुझे ऐसे सिंपल और ऐसे क्यूट से लुक काफ़ी पसंद है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ ऐसे लुक को लेके, ऐसा मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ये मेरा मेकअप इस तरीके का है कि मैं पार्टी में जा सकती हूँ या फिर मैं इस टाइम मैं अपने क्लासेस में नहीं जा सकती क्योंकि ये मेरा लुक बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है पढ़ने के हिसाब से। सो इस तरीके का लुक नहीं करना चाहिए, हमेशा ऐसा लुक रखो जो आप कहीं भी जा सको और ब्यूटीफुल भी लगो। सो या, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये लुक कैसा लगा और मैं ये चैलेंज कंप्लीट करने में सक्सेसफुल रही या फिर नहीं। सो या, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।